हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो और स्वस्थ हो सभी सभी अपने घरों में। गर्मी बहुत है अभी नॉर्थ में, मुझे पता चला नॉर्थ ईस्ट में। सो फ्रेंड्स, पितृपक्ष के चलते हुए आज हम बना रहे हैं जो कचकला, और देखिए ये दो पोटेटो काट के रखा है मैंने, उसका सब्जी बनाएंगे। उसका सब्जी हम बनाएंगे सोयाबीन के साथ, ये भिगो के रखा है सोयाबीन, सोयाबीन फ्राई करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं ये सोयाबीन और काचकोला का जो रो बनाना रहता है उसका सब्जी मैं कैसे बनाता हूँ, बहुत ही टेस्टी करके मैं बनाता हूँ ये सब्जी। तो प्लीज़ अब इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, हम कैसे बनाते हैं ये जो वेजिटेबल्स कड़ी, आप देखिए सोयाबीन के साथ। और आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग्स अच्छा लगेगा। ब्लॉग्स अच्छा लगा तो प्लीज़ कृपा करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को आप सबके पास भेजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर लेंगे, दूसरे भी तो सब्सक्राइब करना है। और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं पहले ये काचकोला और ये फ्राई करूँगा, उसके बाद ये जो सोयाबीन भी भाजी कर लूँगा। अभी जो है पितृपक्ष चल रहा है, सरसों का तेल यूज़ नहीं करेंगे, सब कुछ हम रिफाइंड ऑयल से बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड मॉर्निंग अभी सभी लोग को। थैंक यू। मैं एक कढ़ाई बैठा दिया, यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि अभी मैंने पोटैटो और काचकला को फ्राई करेंगे। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगा, क्योंकि हल्दी पाउडर डालने से फ्राई करने का वो जो है ना वो तेल ऊपर में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा अभी हल्दी पाउडर डालूंगा। और छोड़ने के बाद थोड़ा हल्दी और लवन से मैं उसको टिकटा से भाजी कर लूँगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा सब्जी डाल दिया, तो टिकटा से मिक्स करके मैं टिकटा से उसको ब्राउन कलर बना दूँगा, अच्छी तरह से उसको भाजी कर लूँगा। क्योंकि काचकला और आलू भाजी करके आप वेजिटेबल सब्जियाँ बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी रहता है। तो इसमें टिकटा से भाजी कर लेता हूँ हल्का से। उसके बाद सोयाबीन को फ्राई करेंगे, यानी उसको भी भाजी कर लेंगे। भाजी करके तड़का लगाने के लिए 5 फोरन का तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया था यूट्यूब में, शायद आपने देखा होगा, और नॉन फॉर आपको भी बोलो आपने भी देखा होगा, क्योंकि पिछले वर्ष का चल रहा है, 17 से स्टार्ट हुआ पिछले वर्ष का, कि माँ दुर्गा का उसी दिन से आगमन का आने का स्टार्ट हो जाता है। तो उसी दिन से हमारा पिछले वर्ष से स्टार्ट होता है। पिछले वर्ष से 2 तारीख का महालय अमावस जो आएंगे, उसी टाइम में पिछले वर्ष का हम लोग माँ मम्मी पापा को हम लोग कुछ देंगे बना के, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इंसान मरने के बाद उनको कुछ नहीं याद रहता, जो हमारे धरती से जो बच्चे से यही उम्मीद करते हैं वो पिछले वर्ष का मतलब पितृ को जो है पिता और माता, उनको कुछ हम ना कुछ उनको तर्पण करेंगे, उनको जो वो अच्छे अच्छे जो खाते वो खाना हम लोग बना के खिलाएंगे उसी दिन 2 अक्टूबर को। इसी कारण हम लोग अभी जो है ना कोई ऐसा कुछ नहीं खाते जो खाने से मम्मी पापा को अपना शरीर में जाके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, भगवान भी नाराज़ हो जाए आपसे। इसलिए अभी जो 17 से 2 अक्टूबर तक हम लोग प्योर बेट खाएंगे, और आप भी आपका मम्मी पापा में कोई एक नहीं है तो कोई है, मैं सिर्फ लड़की के लिए नहीं बोलूँ, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। पिछले पक्ष लड़कों को खाना चाहिए, अपने मम्मी पापा को डेली तिल और ये से पानी डालिए, चले अगरबत्ती घुमाइए, प्रेयर कीजिए, आप जहाँ पे हो आप अच्छी तरह से मानते हैं, भगवान को दुआ कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी ये तय कर लेता हूँ, क्योंकि ज्ञान मैंने बहुत दे दिया आपको, ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है, सबके पास अपना अपना दिमाग रहता है। तो फिर उसको मैं हल्के से फ्राई कर लेता हूँ और जुड़े रहिए और मैं कैसे बना तो आप देख करिए। फिर ठीक है, मैं हल्का से ढक्कन ला के रख देता हूँ जल्दी उसको ब्राउन होने के लिए। फ्रेंड्स अभी मैंने ये पोटैटो काचकला फ्राई हो चुका है, मैं अभी कढ़ाई से प्लेट में निकल दूंगा, उसके बाद मैं अभी मैं सोयाबीन को फ्राई करूंगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। देख पा रहे हो अभी 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल यहाँ पे कढ़ाई पे डाला, क्योंकि मैं अभी सोयाबीन फ्राई करने वाला हूँ। तो सोयाबीन मैं थोड़ा भाजी कर लूँगा, क्योंकि कच्चा सोयाबीन अगर
से सब्जी बनाओगे तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता है, सोयाबीन ऐसे सूखा सूखा लगता है जैसे उसमें नमक ही नहीं लगा हो, इसलिए। तो मैंने कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं अभी सोयाबीन डालने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप प्लीज़ हमारे वीडियो आप देखते रहिए, देखिए स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ हमारे रिक्वेस्ट आप सुन लीजिएगा, प्लीज़ हमारे वीडियो आप देखते रहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए आपको कैसे वीडियो आपको चाहिए, मैं दिल जान से कोशिश करूँगा आपको अच्छा वीडियो आपको देखा पाऊँ, आपका रिक्वेस्ट हम ले पाऊँ और आपका जो आप बोलोगे वो आपके सामने पेश कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सोयाबीन डाल दिया ऑयल में, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल दिया, मैं मिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद ब्राउन होने के बाद मैं प्लेट में निकल के डाल दूँगा और देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। सोयाबीन बहुत जल्दी पक जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि भाजिया ना हल्का रहता है वो चीज़ें, तो आपको मालूम है फ्रेंड्स टोफू सोयाबीन जैसा रहता है, देखने में पूरा क्या बोलते हैं पनीर जैसा रहता है टोफू। वो टोफू का भी सब्जी बहुत खाइएगा, बहुत बढ़िया रहता है, हेल्दी है आपके हेल्थ के लिए। क्या फ्रेंड्स ब्राउन हो चुका है, अभी मैं पेट में निकाल के डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैं फिर से 2 टेस्पून मैंने ऑयल डाला है यहाँ पे 12 स्पून से। तो अभी मैं तरकारी बैठाने के लिए मैं पहले 5 फोरन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स साथ में 2 सूखा मिर्ची, फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो जब 5 फोरन और सूखा मिर्ची पूरा लाल हो चुका है, मैं अभी ये सब्जी जो है ना सोयाबीन काच कलर आलू ये मैं डाल देता हूँ। काचकला बहुत आयरन रहता है फ्रेंड, अपना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप भी हम सुझाव देंगे आप काचकला खाइए, बच्चे बूढ़े को सबको खिलाइए। और काचकला आप अगर इसके साथ खाओगे ना, जैसे चैन पीस आता है, मागुर आता है, चिंगी पीस आता है, उसके साथ खाओगे ना बहुत बढ़िया आता है। अपना जो इंसान का कमजोरी का शरीर है प्लीज काचकला से ये पीस का कड़ी बनाइए, पतला सा हल्दी डाल के थोड़ा सा लवन डाल के थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के बनाइए, बहुत बढ़िया रहता है खिलाइए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया, अभी यहाँ पर मैंने मसाला डालूँगा, तो देखिए एक का मसाला डालता हूँ। तो फ्रेंड्स मसाला आप देख पा रहे हो जो मिडिल में है वो है नमक, साइड में जो हल्दी पाउडर, ये जो है जीरा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मैं थोड़ा सा डालता हूँ आपको पहले ही बोला, ये चिली पाउडर वो भी मैं थोड़ा सा ही डालता हूँ, क्योंकि अगर आप ग्रीन चिली खा लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पाउडर वाला आजकल पाउडर में वो सब रेड वाला वो आता ना ईटा, वो ईटा को पाउडर में मिला के वो चिली पाउडर के साथ में मिक्स कर देता है, और जीरा पाउडर इसलिए मैं मना करता हूँ, जीरा पाउडर जाके अपना शरीर में जो पेट में बहुत बीमारी फैलता है। तो फिर ये मसाला मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स, अभी ऐसे चिट्टा से मिक्स कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा ये कार्य आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। बाहर में धूप भी निकला था सुबह, अभी बारिश का मौसम कर दिया आपको देखा था, बाहर देखिए आसमान भी के पूरा बादल से ढक गया है, अभी आप देख पा रहे हो सुबह सूर्य निकला था, देखिए यहाँ पे अभी बादल से ढक गया सूर्य। सो बेंगलोर में यही एक है फ्रेंड्स, कभी बारिश तो कभी धूप, लेकिन बढ़िया सा वेदर है हमारे बेंगलोर में, आप भी तैयार विजिट कीजिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये जो मिक्स कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के मैं, क्योंकि उसको टिक्का से पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं ताल से मैं ढक्कन लगा के रखता हूँ। फ्रेंड्स उसको पकने के लिए मैं थोड़ा सा पानी अभी डाला, अभी ढक्कन को मैं ला के डाल दूँगा, उसके बाद मैं लास्ट में 1 ग्लास और 1.5 ग्लास पानी डालूंगा लास्ट फाइनल टचअप के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा कलर आया है। सो अभी जो है काच कला मीन्स कच्चा कला जो ग्रीन बनाना रहता है ना, वो और पोटेटो
सड़े तो ऐसे पक जाता है, पानी रख देने के बाद वो नरम हो जाता है। लेकिन वो पकने के लिए मैं अभी थोड़ा सा पानी डाला, मसाला भी थोड़ा टिकता से घुल मिल जाए सब्जी के साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाला। सो टिकता से थोड़ा बॉयल होने के बाद मैं फाइनल 1.5 ग्लास पानी डालता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हम कैसे बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए मेरा जो अभी काढ़ी लगभग हो चुका है, सो अभी निकालने वाला हो। ये देखिए मैं थोड़ा आपको ये करके भी देखा पाऊँ। देखिए कितना बढ़िया सा आया फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ये काढ़ी? तो आप वेजिटेबल्स या काच कला का पोटेटो का काढ़ी आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शंकर दास गुप्ता ब्लॉग्स फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स को अच्छा लगा तो प्लीज़ कृपा करके ये ब्लॉग्स आप जरूर सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। आपका कॉमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कॉमेंट ही हमारे चैनल को आगे लेके जाएगा। तो प्लीज़ हमारे कॉमेंट कीजिए और हमारा ये जो सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है ये भी आप जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यूवर्स को अच्छा लगा तो हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कंटेनर है, व्यूअर्स आप हो। सो आप लोग जैसे बोलोगे हम ऐसे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोज़ को आप स्किप मत कीजिएगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो भी देख लीजिएगा, बुरा लगा तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक इंसान है, अब हम बॉयस है और सॉरी हम बॉयस है क्योंकि बॉय होकर हम खाना बना रहे। तो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट कीजिएगा और हमारा खाई आपको कैसे लगता है वो भी आप अप्रिशिएट कीजिएगा प्लीज़। सो मैं अभी बोल के अंदर निकालने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये काच कला पोटेटो और सोयाबीन का फाइनल लुक आपको कैसे लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारा ब्लॉग्स कैसे लगाइए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ और एक नया ब्लॉग लेके आपके सामने आता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। आप सब कुशल मंगल रहिए आपके फैमिली के साथ और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, गर्मी से बचिए और धूप में ज़्यादा मत निकल लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।